सकते हैं, हमें तो मीडिया में बताया जाता है उधर गुर्बत बड़ी है, नहीं, वो जी उधर तो वॉशरूम नहीं है, आपको नहीं, क्या लगता है वो ज्यादा अमीर? अच्छा, वहाँ पे यकीन कर मैं एक और चीज देखी, टाटा कंपनी बहुत बड़ी, टाटा कंपनी बहुत बड़ी है, कौन से सिटी में 3-5 रुपए की रोटी, एक दो इतनी छोटी रोटियाँ, ठीक है, और साथ सालन यकीन 5 रुपए, 5 रुपए में कौन से सिटी में? दिल्ली में, वहाँ पे एक होटल था, मुझे याद नहीं आ रहा, करीम होटल के पास, अच्छा वहाँ पे भी आपको 200 की भी मिलेगी, 5 रुपए मिलेगी, वो तो देखे ना, फिर VIP 5 स्टार होटल तो हर जगह पे है, तो है ना, इधर कहीं पे आपको 20 रुपए की रोटी मिलेगी सालन के साथ, पार्टियां तो उधर भी हैं क्या? आप उधर के, उधर कांग्रेस, उधर बीजेपी, उधर आम आदमी पार्टी, देखो बासुरो मैंने वो भी देखा कहीं ना ऐसे ही सड़क पे ना, उनका कोई जा रहा था, पता नहीं कौन सो का था पॉलिटिशियन उनका, हाँ, यार ये नहीं होती मॉरिस गाड़ी पुरानी, ठीक है, ठीक है, वो एक से शादी थी गाड़ी, और 4-5 गाड़ियां जा रही है, कोई ट्रैफिक सिग्नल ही बंद हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, वो जा रही दिल्ली में, हाँ मैंने देखा, खुद देखा, ठीक है। आप अच्छा एक और बात, आप ये रोटी लेने जा रहे हैं ना, उसकी रोटी तो छोटी, ठीक है, हमें नहीं पता, क्योंकि यार रोटियां लाया सालन से, हम लड़के थे, हमने कहा खुद ही पुकारा होटल वाले का, ठीक है, तो वो रोटी जब लाया ना देते हैं ये एक कागज के उस पे, ठीक है, रोटी दी ना तो हम जब दिखा ली तो साथ प्याज गिरा, मैं ये क्या है, कहते यार मुझे भी नहीं पता, मैं गलती नहीं लाया, कहते दूसरे ने पूछा, उसे कहता भाई हम ऐसे करके देते हैं प्याज देते हैं इसलिए, किसी के पास अगर नहीं पैसे वो प्याज से रोटी खा रहे, अब बताए इंसानियत हमारे यहाँ तो मर गई ना यार। जय श्री राम दोस्तों, दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी, ये हैं पाकिस्तानी चचा, और पाकिस्तानी चचा आए थे भारत दिल्ली शहर में, और इन्होंने भारत के अंदर जितनी सस्ती चीज़ें मिलती हुई देखी हैं वो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सोच भी नहीं सकते, 5 रुपए के अंदर भी यहाँ पर थाली मिल जाती है जो गरीब लोग भी खा सकते हैं, अमीर कोई भी खा सकता है, मतलब स्टार्टिंग में 5 रुपए की थाली से भी स्टार्टिंग है, और आप लोग महंगी से महंगी भी खा सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो ये इम्पॉसिबल है, और पाकिस्तान के जो ये चचा हैं इन्होंने भारत के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ देखी वो इस वीडियो में ये बता रहे हैं, चलिए वीडियो देखते हैं फिर मिलते हैं, वीडियो के बाद स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर है ये पाकिस्तान और ये इंडिया ना, ठीक है, इस तरह गंदम 30 रुपए है, ठीक है, और इस तरफ गंदम जो है 150 रुपए है, अच्छा आप बताएं क्या फर्क, एक ही जमीन में हुआ है, मोटर बाइक देख ले आप, बच्चों की देख ले, वहाँ पे 35,000 की या पे 2 लाख की, हमारे यहाँ पे इतनी कॉमन नहीं जितनी वहाँ पे बसती है, ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बहुत ज्यादा, पते नहीं गिन नहीं सकते आप, ठीक है, लेकिन वो क्या है यार, वो आपस में इतवा करते हैं, एहसास करते हैं, हमारे यहाँ पे एहसास खत्म हो गया है, अभी मैं आपको कहूँगा ठीक है ऐसे है कि यार इसकी बजाय ना यार मैं आपको मटन मंगा दूंगा, ठीक है, हाँ मेरे मैं कहूँगा चलिए ठीक है, हमारे मान कमजोर हो गए, हम कमजोर हो गए, हमें कर दिया गया हालात ने हमें कमजोर कर दिया, मेरा विजिट हुआ था अच्छा इंडिया का, मेरे इंडिया में 30,000 रुपए 15 रुपए में भी रोटी देखी, वहाँ पे खाई 5 रुपए की रोटी, एक दो इतनी सी छोटी रोटियाँ, ठीक है, और साथ सालन यकीन 5 रुपए, 5 रुपए कौन से सिटी में? दिल्ली में, अच्छा। वहाँ पे एक होटल था, मुझे याद नहीं आ रहा, करीम होटल के पास, अच्छा वहाँ पे भी आपको 200 की भी मिलेगी, 5 रुपए मिलेगी, वो तो देखे ना, फिर VIP 5 स्टार होटल तो हर जगह पे है, तो है ना, इधर कहीं पे आपको 20 रुपए की रोटी मिलेगी सालन के साथ, सवाली पैदा होता, ठीक है, वैसे भी दे दे अलग नाम भी करवा दे तो, या वैसे वो कह दे ठीक है 25 रुपए की रोटी है, ठीक है, आप किस टाइम पे आपने विजिट किया था, कितने साल पहले? 15-20 साल शायद हो गया, 20 साल बड़ा पुराना था, ठीक है, वो तो जब था इनके हालात अच्छे थे, किस सिलसिले में गए वैसे विजिट के लिए? जबरदस्त देखिए ना, जब जो ये मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, वहाँ पे ये चीजें हैं, लेकिन जब कोई खुद जाके विजिट करके आएगा, चाहे पाकिस्तान से इंडिया जाके विजिट करेगा, इंडिया से पाकिस्तान आएगा, रियलिटी का तब पता चलेगा। हम मीडिया में देखते हैं, हमें तो मीडिया में बताया जाता है उधर गुर्बत बड़ी है, वो जी उधर तो वॉशरूम नहीं है, आपको क्या लगता है वो ज्यादा अमीर? वहाँ पे यकीन कर मैं एक और चीज देखी, टाटा कंपनी बहुत बड़ी, टाटा कंपनी बहुत बड़ी है, उनके ट्रक जो है ना हमारे ट्रकों से बहुत बड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है साइकिल रक्षा भी होता है जी, बिल्कुल, ठीक है, पीछे बंदे बैठ रहे, यकीन करें वो साइकिल रक्षा अगर आ गया ना तो इतना बड़ा ट्रक है या कोई भी गाड़ी है उसको ब्रेक लगा दी, ये मुझे चीज बड़ी पसंद आई थी, हाँ उसको आगे निकाल, तो ये कॉम होती है ना, देखिए हम कहते हैं इसकी वैल्यू है, मोटरसाइकिल फेंक इसको देखी जाएगी, ठीक हो गया, मुझे ये चीज बहुत सी चीजों का मुझे पता है, मैं आपको बताया मैं लाल किले गया, मैं बताता हूँ, ठीक है, लाल किले, हाँ वहाँ पे ना ये नारियल बेचते बच्चे, ठीक है, आप बिलीव करेंगे कि बच्चे ने सिर्फ
शॉर्ट निकल सी पहनी गंदी सी मेला से और वो नारी बेच रहे हम भी फॉरनर आए रहे उसने हमने देखा हमें बेच रहे एकदम उधर तो आगे मैं क्या हुआ यार उसके साथ हमने इंग्लिश बोल ही सकते उस बच्चे ने इतना बच्चा अच्छा नारियल बेचने वाला इंग्लिश बोल रहा यार वो फॉरनर ईरान रह गया उसने कसम मेरे सामने देखो ना पता नहीं उसको दो पाँच डॉलर इनाम दिए कि लो यार कहते मैं ईरान रह गया हमारे यहाँ पे हमें इंग्लिश से डर लगता है खौफ ज्यादा किया गया इंग्लिश पर नहीं आज 20,000 रुपया लेंगे ठीक हो गया क्या बनेगा तो शायद यही वजह है उनके डेवलप होने की यही वजह है उनके बिजनेस को आगे वो ग्रो करके आज उनकी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज है यूनिवर्सिटीज है लम्स है बड़ा बड़ा कुछ है ठीक है यार वो अब फैशन हो गया कि मेरा बच्चा तो वहाँ बच्चा और मेरा बच्चा तो वहाँ पढ़ता है ये सिर्फ पैसों की दिखावा हो रहा है पढ़ाई नहीं हो रही बेटा अच्छा हम हर चीज में वैसे तो मुकाबला करते हैं अगर इन्हीं चीजों में भी मुकाबला करेंगे भाई एजुकेशन में भी उनसे आगे बेहतर जाना है जैसे उनके देखना अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ है और उन्होंने जो ट्वीट की है बिल्कुल क्लियर के भाई माय फ्रेंड और हमने यहाँ पे बोला कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ से ही फर्क नजर आ जाता है हालांकि डॉलर हमें मिल रहे हैं या उन्हें मिल रहे हैं यार वो तो सबको मिले लेकिन मकसद है नहीं कि हम देखिए डॉलर हम भी ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं ओके मकसद है वो लेके लगाते भी तो है ना यार देखिए उनकी थोड़ा सा कोई हो ना ऐसा सिलसिला एकदम कौम इकट्ठी हुई थी ठीक है नहीं नहीं हमारे यहाँ पे नहीं इकट्ठी हो सकती उधर यूनिटी या इधर थोड़ा सा वो तो ये बड़ा जब हम कौम बन जाएंगे ना लेकिन सारी चीजें ये परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी सड़क पे ना उनका कोई जा रहा था पता नहीं कौन सो का था पॉलिटिशियन उनका हाँ, यार ये नहीं होती मॉरिस गाड़ी पुरानी ठीक है ठीक है वो एक से शादी थी गाड़ी और चार पांच गाड़ियां जा रही है कोई ट्रैफिक सिग्नल ही बंद हुआ कोई कुछ हुआ दिल्ली में हाँ मैंने देखा खुद देखा ठीक है और पाकिस्तान में एक आम MNA MPA गुजर रहा हो तो यहाँ के इलाके को गुजर रहा हो कहता है बट जाओ बंदे को बंदा नहीं समझते कि आपने अब जो अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं इंडिया गया वहाँ पे दिल्ली में तो ये तो रियलिटी है क्योंकि वो खराब है वो सही है हमें उनसे क्या ले देना है नहीं तो ये अच्छा वहाँ पे अपना खाना हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जी वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म आपने आप पे हो गया जुल्म जब आप तब तो बड़ा अच्छा था जब मैं गया था अच्छा उस वक्त तो कुछ भी नहीं था सीधी बात है ठीक है ये जो था क्या ये मस्जिद जो थी जामे मस्जिद हाँ फुटपाथों पे भी सोए हुए देखे मैंने हाँ वो तो देखे होंगे उधर भी होंगे इधर भी आप अच्छा एक और बात आप ये रोटी देने जा रहे हैं ना हाँ। रोटी रोटी नहीं छोटी ठीक है हमें नहीं पता तुम यार रोटी लाया साले तो ना लड़के थे हमें क्या खुद ही पका रहा है होटल वाले का ठीक है तो वो रोटी जब लाया ना देते हैं ये एक कागज के उस पे ठीक है रोटी दी ना तो हम जब निकाल ली तो साथ प्याज गिरा मैं कहा ये क्या है कहते यार मुझे भी पता मैंने गलती नहीं लाया ठीक है दूसरे ने पूछा उसे कहता भाई हम ऐसे करके देते हैं प्याज देते हैं इसलिए किसी के पास अगर नहीं पैसे वो प्याज से रोटी खा रहे अब बताए इंसानियत हमारे यहाँ तो मर गई ना यार वो कलमा को नहीं है बस हम कलमा को होकर क्या कर रहे हैं बताओ क्या हमारी हैसियत है बताओ दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट साइड पे हो जाओ और इंडियन पासपोर्ट उसकी तो वैल्यू तो यार उन्हें वैल्यू बनाई है बेटा देखो ना काम अच्छे किए हमने बाहर भी जाके दो नंबरियां और की है पाकिस्तान आम बंदा भी दो नंबर ही नहीं छोड़ सकते दोस्तों वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने इन चचा की बात तो सुनी होगी आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देख ली होंगी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भी देख लिए होंगे जो भारत में आते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत के लोगों को काफिर कहने से या फिर अलग अलग तरीके से गाली देने से नहीं चूकते या भला बुरा कहने से नहीं चूकते कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं लेकिन जो भी पाकिस्तानी आज तक भारत आया है उसने जो सोचा था भारत के बारे में कि भारत ऐसा होगा भारत के अंदर के लोग ऐसे रहते होंगे उसका पूरा का पूरा जो माइंडसेट वो लेके आया था ना पाकिस्तानी माइंडसेट वो चेंज हो गया वो एकदम ऐसा चेंज हो गया कि वो ये सोचने में मजबूर हो गए लोग हैं यार हमने तो कभी सोचा ही नहीं था भाई साहब ने चचा ने बात बोली कि उस टाइम पर ऐसा था चचा आज भी आ जाओ आपको 20 साल पहले आए थे जब डेवलपमेंट कम थी अब डेवलपमेंट ज़्यादा है और अब भी आप लोगों को वही सहूलियात मिलेंगी या उससे ज़्यादा ही मिलेंगी कम नहीं मिल सकती और आपने ये बता दिया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़े तो ये बात है और यहाँ पर जब भी आप छोले भटूरे छोले कुलचे रोटी सब्जी कुछ भी लेकर आते हैं तो उसके साथ साथ सलाद दी जाती है सस्ता अब भी है यहाँ पे लेकिन लोगों की
जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से लोग अपने चार्जेस भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत आज भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहते हैं यार, कमेंट में ज़रूर बताइए। चचा की बात से कितना एग्री करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कौन सी बात अच्छी लगी यार, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।